नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने पर एनएसयूआई लगातार मांग कर रहा है। आपको बताएं कि एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर इसके लिए ज्ञापन दिया है। एनएसयूआई छात्रों का ज्ञापन देते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में छात्र संघ का चुनाव कराया गया था, इसके बाद छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। ज्ञात है कि छात्र संघ चुनाव में जो छात्र निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ एक साल के लिए होता है। जो छात्र छात्राओं को वर्ष 2017 में निर्वाचित हुए थे उनका कार्यकाल वर्ष 2018 में ही समाप्त हो गया। वर्ष 2018 के बाद छात्र संघ का चुनाव का आयोजन कराए जाने की वजह से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो लगातार आगे आ रहे हैं। इसमें क्योंकि इससे एक युवा नेतृत्व का सामना करना पड़ता है और युवा नेतृत्व वर्तमान में आगे आ रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ छात्र संघ के चुनाव कराया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं कराए जा रहे। इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार के द्वारा उभरती हुई प्रतिभा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने एक बार ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और छात्र छात्राओं की आवाज़ बुलंद हो सकेगी। और वो छात्र जो लंबे समय से चुनाव की मांग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली से मांग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह कांग्रेस प्रदेशों में चुनाव लगातार अपने शेड्यूल के अनुसार टाइम पे हो रहे हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश यानी जहां भी मध्य प्रदेश के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे भी युवा नेतृत्व को सामने आना चाहिए और युवा नेतृत्व को मौका मिले इसके लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स न्यूज चैनल के सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ममता कुंज बिहारी तिवारी, अध्यक्ष जनपद पंचायत नई गढ़ी।